911 से शुरू हुई पहल अब आधी दुनिया के सुर बदल चुकी है। जिनके सुर नहीं बदले हैं उनमें अधिकांश इस्लामी मुल्क और चीन जैसा देश है। वैसे चीन कभी नहीं चाहता है कि दुनिया में शांति स्थापित रहे, इसलिए इस मुल्क ने सदैव दुनिया के सुरों को बेसुरा करने का काम किया है। इसका जीवित उदाहरण इसका जमुरा पाकिस्तान है, जिसकी लुटिया इसने रावी नदी के किनारे तैरती हुई छोड़ दी है, जिसे आज कोई भी मुल्क न पकड़ना चाहता है और न सहारा देने आगे आ रहा है। इस वक्त दुनिया के अधिकतर मुल्कों में खिलाफत का बिगुल बजा हुआ है, जहां विभिन्न प्रकार के गुट बन गए हैं। कमाल की बात यह है कि धार्मिक कट्टरवाद के चलते ज्यादातर मुस्लिम देशों से ही आतंकवाद का स्वरूप सामने आया है। यानी दुनिया में आतंकवाद का कोई मुहाना है तो वह इस्लाम है, जहां से चरमपंथी पैदा होते रहे हैं। इन्हें जो खाद पानी देता है उनमें पाकिस्तान का नाम सबसे ऊपर है, बाद में चीन उनकी पीठ थपथपाता है। दुनिया कई आतंकवादी संगठनों के बारे में गाये बगाये चर्चा करती रहती है, पर इससे पहले हूती को इतनी ख्याति कभी नहीं मिली जितना कि पिछले एक हफ्ते से यह संगठन प्रकाश में आया है। पर सोचने वाली बात यह भी है कि इस संगठन को नेस्तनाबूद करने के लिए कोई कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। अन्य संगठनों की तरह यह भी मुसलमानों से जुड़ा संगठन है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी आरामको पर हुए हमले के बाद हूती का नाम हर जगह सुनाई दे रहा है। शनिवार को ड्रोन अटैक के बाद सऊदी अरब तेल उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस हमले की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 19% बढ़कर $72 प्रति बैरल के लगभग पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि आरामको सऊदी अरब और अमेरिका का संयुक्त उपक्रम है। हूती विद्रोहियों को मौजूदा समय में दुनिया के सबसे बड़े विद्रोही संगठन के तौर पर जाना जाता है। अरब क्रांति में इन विद्रोहियों की अहम भूमिका रही थी। इसकी ही बदौलत 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति अली अब्दुल्ला सालेह को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसकी वजह आंतरिक मामलों के खिलाफ जनता का लामबंद होना भी था। हालांकि इस वक्त तक हूती विद्रोहियों का संघर्ष केवल उत्तरी यमन तक ही सीमित था। सालेह के पद छोड़ने के बाद उनकी जगह अब्दुर्रबहु मंसूर हादी यमन के राष्ट्रपति बने। हादी सरकार के सामने भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खाद्य संकट जैसी बुनियादी समस्याएं थी। इसके अलावा अलकायदा भी इस सरकार के लिए बड़ी परेशानी की वजह थी। पहले सालेह के खिलाफ लामबंद हुए हूती विद्रोहियों ने बाद में हादी के खिलाफ भी संघर्ष शुरू किया। इस संघर्ष को उस वक्त तब और मजबूती मिली जब पूर्व राष्ट्रपति सालेह इन विद्रोहियों के साथ मिल गए। 2014 में इस गठबंधन ने यमन की राजधानी सना पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हादी सरकार को सुन्नी बहुल देश जिसमें सऊदी अरब, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, मिस्र, जॉर्डन शामिल है, समर्थन दे रहे हैं। इनके अलावा सेनेगल, मोरक्को, सूडान भी इसके साथ हैं। हादी को समर्थन की वजह से ही हूती विद्रोही इन देशों के खिलाफ हैं। वर्ष 2017 में पूर्व राष्ट्रपति सालेह ने हूती विद्रोहियों का साथ छोड़ने और सऊदी अरब और विद्रोहियों के बीच वार्ता का ऐलान किया तो उनकी हत्या कर दी गई। सऊदी अरब की आरामको कंपनी पर हुआ हमला पहली बार नहीं है। सऊदी अरब से हूतियों के संघर्ष की जहां तक बात है तो यह वर्षों पुराना हो चला है। हकीकत यह है कि यह लड़ाई शिया और सुन्नियों के बीच का परिणाम है। इसी वजह से सऊदी अरब और ईरान के बीच हमेशा से ही तनातनी रही है। एक तरफ ईरान शिया बहुल है तो सऊदी अरब सुन्नी बहुल देश है। यही वजह है कि ईरान पर हूती विद्रोहियों का साथ देने के आरोप बढ़ चढ़कर लगते रहे हैं। हूती विद्रोहियों का संबंध अल्पसंख्यक जैदी शिया समुदाय से है। उत्तरी यमन को इन विद्रोहियों का पारंपरिक गढ़ कहा जाता है। ये विद्रोही खुद को अंसारुल्लाह के समर्थक कहते हैं, जिसका अर्थ अल्लाह के समर्थक होता है। जिनके नाम पर इन विद्रोहियों को हूती कहा जाता है, वह नाम उन्हें वहां के आध्यात्मिक नेता बद्रुद्दीन अल हूती से मिला है। उन्होंने ही 90 के दशक में सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू किया था। 2004 से 2010 के बीच यमन की तत्कालीन सरकार के खिलाफ यह 6 बार लड़े। इतना ही नहीं, सऊदी अरब के साथ संघर्ष में भी वह आगे रहे थे। यमन में 2015 से गृह युद्ध चल रहा है। 1990 में दक्षिणी और उत्तरी यमन को मिलाकर यमन राष्ट्र का गठन किया गया था। अरब दुनिया में शुमार यमन की गिनती दुनिया के गरीब देशों में होती है। जहां तक इनके पास मौजूद हथियारों की बात है तो सना पर कब्जे के दौरान यमन की सेना के डिपो में हथियारों की भारी लूट हुई थी। इन्हीं के दम पर यह विद्रोही सऊदी अरब को भी टक्कर दे रहे हैं। इन्हें ईरान समर्थित लेबनानी मिलिशिया हिजबुल्ला के सदस्य भी ट्रेनिंग दे रहे हैं।
लेकिन यह पहली बार है जब हूती ने अरामको पर ड्रोन अटैक करके सीधे सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि अमेरिका इराक सीरिया वाली कार्रवाई यमन में भी करने की प्लानिंग बना रहा है। अब हूती विद्रोही अमेरिका के निशाने पर आ चुके हैं। इससे पहले अमेरिका ने यमन को लेकर 90 तुले बयान ही दिए हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों ने जो दुस्साहस दिखाया है उससे अमेरिका का पारा गर्म हो गया है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि यमन अगला इराक सीरिया बनने जा रहा है, यानी चरमपंथियों के कुछ और कैक्टस जमींदोज होने के लिए काल को आमंत्रण दे चुके हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।